गाइस वेलकम बैक टू अगेन, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं झारखंड राय यूनिवर्सिटी कैंपस के ऊपर। वीडियो है हमारा झारखंड राय यूनिवर्सिटी की शुरुआत की बात करो 2011 में ये कैंपस से शुरुआत हुआ है। झारखंड रांची नामकुम के पास ये कैंपस पड़ता है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, झारखंड के अंदर में है, झारखंड राय यूनिवर्सिटी। और मेनली इसको लोग राय यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बट राय यूनिवर्सिटी एक और भी कैंपस है गुजरात के अंदर में, दूसरा अलग कैंपस है, इसलिए इसमें जुड़ गया झारखंड राय यूनिवर्सिटी कैंपस। और बात करें इसकी अप्रूवल और प्लेसन के बारे में, तो ये ICT अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड आपका, उसके अलावा आपका ये NAC अप्रूव्ड की कैंपस है आपका झारखंड राय यूनिवर्सिटी। और झारखंड का एक पुराना कैंपस में से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक है, क्योंकि 2011 में ये कैंपस शुरुआत हुआ है। अगर कोर्सेज की बात करें तो यहाँ बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएगा। कोर्सेज में बात करें तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है, BA LLB है, LLB है, उसके अलावा आपका BPT कोर्स भी है, BPharma भी है, उसके अलावा BBA है, BCA, ये UG कोर्स में है। वहीं बात करें PG कोर्स में, पोस्ट ग्रेजुएट में, तो आपका MBA है, MCA है, LLM है, उसके अलावा मास्टर डिग्री में आपका एग्रीकल्चर कोर्स भी यहाँ पर देखने को मिलता है कैंपस के पास। उसके अलावा डिप्लोमा कोर्स में बात करें तो डिप्लोमा आपका डिप्लोमा माइनिंग कोर्स होता है, उसके अलावा आपका DPharma होता है, और PhD कोर्स भी कैंपस के पास पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों कोर्सेज अवेलेबल है PhD के अंदर में। अब थोड़ी बात करते हैं झारखंड राय यूनिवर्सिटी का फैकल्टी प्लेसमेंट और कैसा है ओवरऑल। तो झारखंड राय यूनिवर्सिटी की बात करते, पुराना नाम बन चुका है झारखंड के अंदर में, और बात करें तो यहाँ से मोर देन लगभग आपका 3000 प्लस बच्चे यहाँ से पढ़ के ऑलरेडी अलमनाई यहाँ से निकल चुके हैं, और कैंपस एक ग्रोथ करता हुआ झारखंड के अंदर में है। और बात करें यहाँ का फैकल्टी भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और बात करें यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई का, तो पढ़ाई आपका ठीक ठाक है, और मैं ज्यादा अच्छा नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी ये कैंपस को काफी डेवलप करने में समय लगेगा, और पढ़ाई ठीक ठाक ही देखने को मिलता है कैंपस के पास। और जो यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस है, आप कॉलेज की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डायरेक्टली नंबर से आप डायरेक्टली बात करके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा जो कोर्सेज है, जैसे मतलब मॉम्स के हिसाब से एडमिशन होता है, अगर बात कर ले CUT के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन हो, डायरेक्ट आपका नंबर अच्छा है तो यहाँ पर डायरेक्टली एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज के अंदर में, इस यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन। वही बात कर रहे प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट आपको जो मिनिमम प्लेसमेंट जो है, खासकर बात करें BTech कंप्यूटर साइंस का मिनिमम प्लेसमेंट जो देखने को मिला है, अब क्या है क्या नहीं है, बट मुझे जो समझ में आया मिनिमम प्लेसमेंट आपका 2 लाख रुपए का मिनिमम प्लेसमेंट है, और अवरेज प्लेसमेंट की बात करो तो 3 से 4 लाख रुपए के बीच में अवरेज प्लेसमेंट है। मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, माइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद बात करें और अदर कोर्सेज की, खासकर जो अदर कोर्सेस है वहाँ प्लेसमेंट आपको ठीक ठाक मिल जाता है। बाकी आपको भी पता है किसी भी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज में 100% प्लेसमेंट कभी भी नहीं होता है, और कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ कॉलेज के भरोसे बैठने से जॉब नहीं मिलता है, और आप में भी कुछ ना कुछ करना चाहिए और स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। कॉलेज आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, बाकी प्लेसमेंट का आपको भी खुद से स्ट्रगल करना होता है। कॉलेज आपको कंपनी बुला सकता है, बाकी प्लेसमेंट के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो 100% प्लेसमेंट इस कॉलेज का भी नहीं है, और इसका क्या किसी भी कॉलेज का भी 100% प्लेसमेंट नहीं होता है। तो ये बात रहा झारखंड राय यूनिवर्सिटी के बारे में, और जो भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, जब पढ़ रहे हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो अपनी राय विचार जरूर कमेंट सेक्शन में डालना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। बाकी उम्मीद करूंगा कोई डाउट्स होगा आप मेरे से जुड़कर अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। उसके अलावा उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अब तक और भी कॉलेज का रिव्यू अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा फ्रेंड।